नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा में। दोस्तों, फिर मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। और आज का हमारा जो वीडियो है काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें होंगे प्रश्न। और ये प्रश्न, इसके लिए पहले प्रश्नों को हल करते हैं और प्रश्नों के क्या आंसर हो सकते हैं इसको फिर देखते हैं। आप एक कागज पे पहले प्रश्न लिख लीजिए और उन प्रश्नों को लगभग 1 से 10 नंबर तक नंबरिंग कर लीजिए, और नंबर लिखने के बाद उनके आंसर भी आप अपने अनुसार लिखते चले जाएं। फिर उसके पश्चात इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पार्ट आएगा, और डिस्क्रिप्शन पार्ट में क्या बताया गया है उसके आधार पर अपने आंसर को वेरीफाई कीजिए कि आपने जो आंसर लिखा है वो सही लिखा है या गलत लिखा है। और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिखकर बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। यदि अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करें। आप लोगों के लिए पहला सवाल होता है कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, और आपके ऑप्शंस हैं कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, सी गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, और डी हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख। और उम्मीद करता हूँ आपने इसका आंसर नोट कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, और आपके ऑप्शंस हैं ये ए साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बी जीवाश्म नेशनल पार्क डिंडोरी मध्य प्रदेश, सी नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, और डी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। और आपका समय शुरू होता है अब। उम्मीद करेंगे कि आप इसे नोट कर लिए होंगे। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, एक बार प्रश्न पुनः सुने। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, और आपके ऑप्शंस हैं ए पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी, बी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया, सी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला, और डी वन विहार नेशनल पार्क भोपाल। उम्मीद करूंगा कि आपने इसका आंसर नोट कर लिया होगा। आपका चौथा सवाल है कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, और आपके ऑप्शंस हैं ए वन विहार नेशनल पार्क भोपाल, बी जीवाश्म नेशनल पार्क डिंडोरी, सी पेंच नेशनल पार्क सिवनी, और डी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया। उम्मीद करूंगा कि इसे आपने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, बाघों की सर्वाधिक संख्या वाला नेशनल पार्क कौन सा है, बाघों की सर्वाधिक संख्या वाला नेशनल पार्क कौन सा है, और आपके ऑप्शंस है ए रणथंबोर नेशनल पार्क राजस्थान, बी कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, सी बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, और डी गिर नेशनल पार्क गुजरात। उम्मीद करूंगा कि इसका भी जवाब आपने नोट कर लिया होगा। आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जिसे शुभंकर दिया गया है, भारत का ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जिसे शुभंकर दिया गया है, और आपके ऑप्शंस हैं ए काजीरंगा नेशनल पार्क असम, बी जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, सी बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, और डी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। उम्मीद करूंगा कि आपने इन ऑप्शंस को नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथियों का संरक्षण किस नेशनल पार्क में किया गया है, हाथियों का संरक्षण किस नेशनल पार्क में किया गया है, और आपके ऑप्शंस हैं ए काजीरंगा नेशनल पार्क असम, बी मानस राष्ट्रीय उद्यान असम, सी बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, और डी उपरोक्त सभी। और आपने आंसर नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, गेंडों का संरक्षण किस राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है, गेंडों का संरक्षण किस राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है, और आपके ऑप्शंस है ए काजीरंगा नेशनल पार्क असम, बी मानस राष्ट्रीय उद्यान असम, सी बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, और डी उपरोक्त सभी।
इसका सही जवाब हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे, तब तक आप इसका जवाब नोट करके रखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? और आपके ऑप्शंस है ए किबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर, बी डाचीग्राम वन्य अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर, सी मानस राष्ट्रीय उद्यान असम, डी बेतला राष्ट्रीय उद्यान बिहार। उम्मीद करूंगा कि इसका ऑप्शंस भी आपने नोट कर लिया होगा। आपके लिए लास्ट सवाल है कि भारत का प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है? भारत का प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है? और आपके ऑप्शंस है ए हेली नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश, बी कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, सी दाजीग्राम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर, और डी गुंडी डियर नेशनल पार्क तमिलनाडु। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ इसका भी ऑप्शंस आपने नोट कर लिया होगा। वह क्षेत्र जो भारत सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण वन्य जीवों के विकास के लिए घोषित किया गया हो राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। ऐसे क्षेत्रों में वनों को काटने, पशु चारण एवं खेती इत्यादि की अनुमति नहीं होती है। नेशनल पार्क में व्यक्तिगत स्वामित्व के अधिकार भी नहीं दिए जाते हैं। इनकी स्थापना व नियंत्रण केंद्र सरकार के अधीन होती है, परंतु इनकी व्यवस्था संबंधित राज्य सरकार के अधीन होती है। भारत में मई 2019 तक 104 नेशनल पार्क थे, जो 40,501.13 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र घेरे हुए थे, जो भारत के संरक्षित क्षेत्र का 1.23% होता है। चलिए देखे भारत में नेशनल पार्क। भारत में प्रथम नेशनल पार्क सन 1936 में बनाया गया था। यह नेशनल पार्क हेली नेशनल पार्क के नाम से था, जो अब जिम कार्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख है, जो 4400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क होने के साथ साथ हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर स्थित नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना सन 1981 में की गई थी। यह नेशनल पार्क हिम तेंदुए की शरण स्थली के रूप में भी जानी जाती है। भारत के तीन सबसे बड़े नेशनल पार्क में है, पहला हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख, दूसरा है मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, जो सन 1981 में स्थापित किया गया था और 3162 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जबकि तीसरा सबसे बड़ा नेशनल पार्क गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड है, जो लगभग 2390 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क। भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, जो 0.03 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है तथा इसकी स्थापना सन 1987 में की गई थी। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा नेशनल पार्क कान्हा नेशनल पार्क है, जो 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसकी स्थापना सन 1955 में की गई है। कान्हा नेशनल पार्क अपने साल के जंगल, बाघों के संरक्षण स्थल बारहसिंगा तथा विशेष प्रकार के बायसन के लिए जाना जाता है। कान्हा एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जिसे मार्च 2017 में शुभंकर प्रदान किया गया, जिसे भूरे सी द बारहसिंगा नाम दिया गया है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क जीवाश्म नेशनल पार्क डिंडोरी है, जो 2.74 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। मध्य प्रदेश में कुल 10 नेशनल पार्क है, जिनमें से बांधवगढ़ नेशनल पार्क पूरे विश्व में बाघों की जनसंख्या घनत्व के लिए जाना जाता है। यहाँ सर्वाधिक बाघों की जनसंख्या घनत्व पाई जाती है। यह नेशनल पार्क सन 1968 में स्थापित किया गया था, जो 437 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह बाघों की शरण स्थली के रूप में जाना जाता है। हाथियों का संरक्षण।
हाथियों के संरक्षण वाले नेशनल पार्क। भारत सरकार के द्वारा हाथियों के संरक्षण के लिए सन 1972 में हाथी परियोजना प्रारंभ की गई और हाथियों का संरक्षण के लिए प्रमुख रूप से जो नेशनल पार्क स्थापित किए गए हैं उनमें मानस राष्ट्रीय उद्यान असम, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा प्रमुख है। यहाँ एक बात विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य है कि भारत में प्रथम हाथी पुनर्वास केंद्र केरल के कुत्तूर में प्रारंभ किया गया। मथुरा में भारत का प्रथम हाथी स्मारक बनाया गया है, साथ ही हाथी को राष्ट्रीय हेरिटेज एनिमल होने का गौरव प्राप्त है। हाथी का वैज्ञानिक नाम एलिफस मैक्सिमस है। भारतीय गेंडा। एक सिंग वाले गेंडे केवल भारत में पाए जाते हैं। इनके सिंग का उपयोग औषधि निर्माण में होता है, इसलिए बड़े पैमाने पर इनका अवैध शिकार होता है। अवैध शिकार के कारण गेंडों की संख्या में लगातार कमी होती जा रही है और इस कमी को कम करने के लिए इनके संरक्षण के लिए वर्ष 1987 में गेंडा परियोजना प्रारंभ की गई। गेंडों के लिए असम के मानस राष्ट्रीय अभ्यारण्य व काजीरंगा उद्यान तथा पश्चिम बंगाल का जालदापारा अभ्यारण्य गेंडों की मुख्य शरण स्थली के रूप में जाना जाता है। लोकतल झील भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसका कारण है इस झील पर तैरता हुआ दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क। इसे किबुल लामजो के नाम से जाना जाता है। यह पार्क झील के बीच में स्थित है। यह नेशनल पार्क को विश्व से विलुप्त होते संगाई हिरणों का आखिरी शरण स्थल भी कहा जाता है। संगाई मणिपुर का राज्य पशु की